वेलकम बैक। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामानी इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असेंबली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर मुशावरत होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामानी इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असेंबली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर मुशावरत भी होगी। तो आज कौमी असेंबली का अहम इजलास होने जा रहा है और इसके साथ ही मुत्तहिदा अपोजिशन का भी पार्लियामानी इजलास कुछ देर बाद होगा। तो आज वोटिंग का चांस है? आज तो मुझे नहीं लगता वोटिंग का चांस होगा। आज तो वो रेजोल्यूशन में जो है ना वो एडमिट होगा, फिर वो भी एडमिट होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा सर, हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं अभी वहाँ से फैसला होना है, आइनी तौर पे या इखलाकी तौर पे जमहूरी तौर पे जब अपने मेहमान आदम एतमाद करी हो जाता है तो वैसे भी देखो भाई, यहाँ पर ना इखलाक रहा है ना यहाँ पर कोई आइन को मानता है। आज स्पीकर रहे हैं तो आज रिवायत के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि मुलतवी कर दिया जाएगा पीर तक, तो क्या उस सूरत में अपोजिशन एहतजाज करेगी? देखें, रवायत तो यही है कि तिलावत के बाद फातिहा देने के बाद ये अजर्न हो जाता है, मगर अगर अर्जेंट बिजनेस हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको नेशनल इम्पोर्टेंस का, तो उसमें चलाया भी गया है, ये भी रवायत है। तो अगर वो करेंगे तो नेचुरली एक पीसफुल एहतजाज हमारा हक है तो हम वो ज़रूर करेंगे। सर, स्पीकर रहते हुए कब आपको अंदाज़ा है कि ये अगर ज़्यादा अर्जेंट करते हैं तो फिर कितना अर्जेंट कर सकते हैं कानूनी तौर पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा अर्जेंट करेंगे, वो ना उनका राइट है ना मुनासिब है, मेरा नहीं ख्याल है करेंगे।